આવી ગયા છે પોલો ફોરેસ્ટના અંદર. જે પુલ છે, નદીનો નજારો છે એ જોવડાવું છું તમને. અંદર જુઓ કેવો દેખાય છે. મારી પાછળ વહેતી આખી નદી છે, તમે જોઈ શકો છો. અને આ અંદર ગામડે જવાનો રસ્તો છે. હું તમને આખો વ્યૂ દેખાડું છું અંદરનો. અને આ તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો, કેટલો સરસ મજારો છે. મારી પાછળ તમે જુઓ છો વહેતી નદી છે, એકદમ મસ્ત ઝરણાવાળી નદી વહેતી છે. તમે જોઈ શકો છો આ કેટલો મસ્ત. પોલો ફોરેસ્ટમાં જઈએ એની પહેલાં તમે અહીંયા પણ ઊભા રહીને તમે અહીંયા ફોટોગ્રાફી કરી શકો છો, ટ્રેકિંગ કરી શકો છો, બધું જે ચાહો જે એ કરી શકો છો. દોસ્તો હવે અમે આપકો લે જા રહા હું વેલકમ ટુ પોલો ફોરેસ્ટ કે અંદર. યે હૈ પોલો ફોરેસ્ટ કે અંદર જાને કા રસ્તા. યહાં સે શ્યામલ વન વીરાંજલિ વન ભી આપ જા સકતે હૈ. વો યહાં સે 39 કિલોમીટર દૂર હૈ ઓર યે વીરાંજલિ વન હૈ 63 કિલોમીટર દૂર. તો આઈએ અબ અંદર જાયા જાય પોલો ફોરેસ્ટ કે અંદર. વેલકમ ટુ પોલો ફોરેસ્ટ યહાં લિખા હુઆ હૈ, યે બોર્ડ હૈ. યહાં સે આપકો એન્ટ્રી મિલેગી, યહાં સે આપ એન્ટ્રી કર સકતે હૈ. યે ભી લિખા હુઆ હૈ यहाँ पे भालू रीप भी बहुत सारे देखने मिल सकते हैं आपको, अगर आपका कुछ नसीब अच्छा हो तो. चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं अंदर के अच्छे अच्छे नज़ारे. चैनल मैं निखिल खाद्य ब्लॉक किलामदावादी ब्लॉक में आपको मैं पूरा अंदर से दिखाऊंगा. देखिए नदी आ गई है, यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से, मौज मस्ती चल रही है पूरी. आप देख सकते हो ये नज़ारे बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं. पानी आ रहा है पहाड़ों में से बहता बहता, पूरा पहाड़ों में से पानी बहता बहता आ रहा है. झील के ऊपर से पानी बहता बहता आ रहा है और ये बहता पानी यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं. सब कुछ ये है, रिक्शा भी यहाँ की जो लोकल रिक्शा है वो भी यहाँ पर आई हुई है. तो आप इधर आइए और यहाँ से अच्छे अच्छे नज़ारों का मजा ले. हेलो गुदोला, कुदे કેમ મજા આવી ને. અમે લોકો દરરોજ આવો નાવા અહીંયા. નાવાની મજા આવે, દરરોજ આવો. ક્યાં રહો ના, અહીંયા જ રહો. હા ગામના આ કામના.
रिक्शा गेट के एम्बियर की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ से पोलो फॉरेस्ट के अंदर डैम, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको डैम पे जाने के लिए रिक्शा लेने की जरूरत है। ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा वाला हमें ले जा रहे हैं डैम पर, उसके बाद हम आगे का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं डैम पर, तो ये व्यूज देख लीजिए, अच्छे अच्छे व्यूज भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, नेचुरल व्यूज मिलेंगे। ये हम अब आपको और भी अच्छे अच्छे व्यूज दिखा रहे हैं, आगे जाएंगे वैसे से और भी अच्छे नज़ारे आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों तो बने रहिए और देखते रहिए। ये मेरा भाई है, ये भी खुश है, ये नज़ारा देखते हैं। देखो यहाँ पे बाइक के साथ भी लोग आ रहे हैं, और वो बाइकिंग के साथ भी इधर आते हैं, कई सारे लोग बाइक हैं फोटोग्राफी करने के लिए, बाइक है और ये जंगल है, मजे ले रही है गांव के मजे। हेलो दोस्तों, मैं जो आपको ले जा रहा हूँ पूरा ऊपर का नज़ारा दिखाने डैम का, वो डैम कैसा है, पर जाने के लिए जो रास्ता है बहुत ही ढलान वाला है, ट्रैकिंग वाला है, तो आपको चढ़ते चढ़ते थोड़ी थकान लग सकती है, तो स्टेमिना की ज़रूरत है इधर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कुछ आने जाने का रास्ता नहीं है। तो चढ़ते चढ़ते आप कई बार थक भी सकते हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल कैरी ज़रूर करें, छोटे बच्चे को गोदी में लेके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनको भी चलना मुश्किल है, डैम के रास्ता बहुत ही कठिन है, काफ़ी ढलान है, और हम धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, अब देखिए हम डैम पर पहुंच चुके हैं, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये डैम का, 50% लगभग पानी है, देखिए कितने लोग यहाँ पर देखने आते हैं डैम को। अंदर हमको सिक्योरिटी पर्पज़ से जाने नहीं दिए रहे जा रहा था, फिर हमने उनसे बात की थोड़ी कि हम यहाँ यूट्यूबर हैं और ये हम इतना बेहतरीन नज़ारा हमारे यूट्यूबर को, हमारे दर्शकों को, हमारे सब्सक्राइबर को दिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें परमिशन दी और फिर हम धीरे धीरे अंदर भी गए और हमने अंदर का भी शूट लिया। तो देखिए कितना ही कुदरत का सौंदर्य है, बहुत ही एकदम मन खुश हो जाता है। फैमिली के साथ आइए, देखिए हरे भरे ये पूरे पेड़, पूरी झील, पूरा पानी डैम से भरा हुआ खचाखच, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार आप ये डैम पोलो फॉरेस्ट आए तो ये डैम देखे बिना न जाए। पानी भी पूरा एकदम शांत है, यहाँ पे कई सारे वन्य जीवन भी होते हैं, इसलिए इनको सुरक्षित यहाँ रखा जाता है। हमको यहाँ तक जाने मिलेगी इजाज़त, इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है शायद, इसलिए हम यहाँ तक ही खड़े हैं। दोस्तों अब हमें बहुत ही भूख लगी थी, हम डैम पर जाकर बहुत थक चुके थे, तो हमने सोचा एक अच्छी जगह ढूंढी जाए और वहाँ बैठ के यहाँ के गांव के जो लोग अपना स्टॉल लगाते हैं उसका खाने का मज़ा लिया जाए। तो हमने आलू पराठे और मैगी ऑर्डर किया है, जो अब बस बन के आ रहा है, और मेरा दोस्त भी इसकी बहुत उसकी भूख लगी है उसे, वो भी उसका वेट कर रहा है। चाय 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 च